हमारा आज का डायग्राम है एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर, कि एनिमल सेल को जब हमें डायग्राम बनाने के लिए आता है तो उसे हमें कैसे फॉर्म करना है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को और आज हम कंप्लीट करेंगे एनिमल सेल को। तो सबसे पहले इसकी आउटर बाउंड्री देखो। आउटर बाउंड्री में प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट था? सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर जो सबसे बाहर बाउंड्री है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होगी सबसे बाहर। फिर उसके बाद यहाँ इनसाइड न्यूक्लियस वहां भी प्रेजेंट था, लेकिन न्यूक्लियस वहां पर कहाँ प्रेजेंट था? साइड में प्रेजेंट था, पेरिसेंट्रिक था। लेकिन एनिमल सेल के केस में ये बीच में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस भी हम लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि न्यूक्लियस को कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ बीच में बनाओगे न्यूक्लियस। पहले एक आउटलाइनिंग बनाई, ठीक है। आउटलाइन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इस तरीके से ये इस तरीके से रिजल्स देंगे, रिजल एंड ग्रूव, और इस तरीके से देते हुए ये बनाओगे, ठीक है। और ये इसकी एक आउटर बाउंड्री क्रिएट करोगे लाइक दिस एंड लाइक दिस, और इस तरीके से तुम्हारी ये आउटर बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर यहाँ बनाओगे न्यूक्लियस, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया कि इसे कैसे फॉर्म करोगे, ठीक है। न्यूक्लियस के सबसे पहले यहाँ पे कंपोनेंट्स देखो क्या क्या हमने पढ़े थे। सबसे पहला होता है यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ ये होता है न्यूक्लियर कोर। जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है, ये न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे क्या होते हैं, ये पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, होल लाइक स्ट्रक्चर, जहां से ये पैसेज प्रोवाइड करता है इनसाइड और आउटसाइड एक्टिविटीज के लिए। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से देखना। न्यूक्लियर पोर होगा, ठीक है। न्यूक्लियर पोर के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पर इसको मेंशन करेंगे इट इज हेयर, यहां पर इसको मेंशन करो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन व्हाट इज हेयर? देन दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, एक डेंस बॉडी होती है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के केस में याद रखोगे कि ये चार लेबलिंग होनी जरूरी है, न्यूक्लियर पोर की, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। और इन सब को कंबाइंडली हम यहाँ क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल में ये भी याद रखना कि न्यूक्लियस किस तरीके से फॉर्म करोगे। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहते हैं ER। और ये होती है दो तरीके से, फर्स्ट वन इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से देखो, ये है फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इनकी सर्फेस पे यहाँ पे क्या अटैच है, राइबोसोम के मॉलिक्यूल लगे, क्या लगा है, राइबोसोम, राइबोसोम। तो इन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एनिमल सेल का, इसे हमने प्लांट सेल में भी पढ़ा था। तो यहाँ देखो ये जितने भी ER हमें दिख रहे हैं जहां पे राइबोसोम लगे हुए, ये दिख रहे हैं राइबोसोम, तो इसे हम क्या कहेंगे, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो ER है जो डिटैच हो गए जहां पर राइबोसोम नहीं दिख रहे, इसे कहेंगे SER। मतलब SER का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब इसकी जो सरफेस होगी वो स्मूथ होगी, और रफ में राइबोसोम के कारण वहां पर रफनेस आ जाती है, ठीक है। देन दिस इज नोन एज गॉल्गी एपरेटस। और गॉल्गी बॉडी, ये प्लांट सेल में क्या पढ़ा था हमने कि गॉल्गी बॉडी, इसको प्लांट सेल में क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम, इसका स्ट्रक्चर वहां भी हमने पढ़ा था। तो ये गॉल्गी बॉडीज और गॉल्गी एपरेटस ये बनाएंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने प्लांट सेल में भी बनाया था, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लाइसोसोम, ये हमने प्लांट सेल में नहीं बनाया था। लाइसोसोम, लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके पास ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिससे ये सेल्स को डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। तो ये है लाइसोसोम की, इस तरीके से दो तीन सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे, ये छोटी छोटी से पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एंड वन मोर थिंग इज हेयर, दिस ये वाला जो पार्ट यहाँ दिख रहा है इस तरीके से देखो, ये और ये इस तरीके से, ये है सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम। ये केवल और केवल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, और इसका मेन रोल होता है जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल्स डिवाइड होती है तब इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पर।
ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं था। अब देखो यहाँ पर कंपेरेटिव स्टडी करोगे तो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट था, प्लास्टिड प्रेजेंट था, वो एनिमल सेल में नहीं होता। उसमें वैक्यूल थी बहुत बड़ी सी, यहाँ पर तुम्हें वैक्यूल नहीं दिख रही, अगर दिखेगी भी तो बहुत छोटी सी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उस तरीके से नहीं होती बहुत बड़ी जो प्लांट सेल में हमने देखी थी। और यहाँ पर सेंट्रोसोम है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं था, सेल वॉल प्लांट सेल में थी, एनिमल सेल में नहीं है। तो ये यहाँ पे इसका कंपेरेटिव एनालिसिस भी हो गया। और ये यहाँ पर ये जो प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर है, ये हम सभी को पता है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल सेल। इसे एक बार अच्छे से ड्रॉ करके देखना, सारे फिगर्स को मेंशन करके देख लेना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो किस तरीके से हमें फॉर्म करना है।